हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास का हमारा ये सेकंड लेक्चर है, सेकंड सॉरी नेक्स्ट लेक्चर है। और नेक्स्ट इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी और स्पीड के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ा। बहुत सारे बच्चे ग्रुप में वीडियो को देख ही नहीं रहे हैं, काम होमवर्क अपना कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। आपको बार बार बोला जा रहा है अपना होमवर्क जो है अपने टीचर के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए, अपने वीडियो को पूरा देख के अपने नोट्स बनाइए। सिर्फ चार पांच बच्चे ही हैं क्लास से जो अपने नोट्स प्रिपेयर करके हमें चेक करवा रहे हैं, बाकी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसा ही टेंथ क्लास वाले कर रहे हैं, ऐसा नाइन्थ क्लास है, ऐसा प्लस वन क्लास है, ऐसा ही प्लस टू क्लास कर रही है, तो सारी क्लासे ऐसे कर रही है, सभी टीचर की यही शिकायत है। तो बच्चों आपका टाइम को यूटिलाइज कीजिए, जो टाइम आपको मिल रहा है उसको यूटिलाइज कीजिए। बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए इस टाइम में सभी टीचर घर से वीडियो बना बना के आपके पास छोड़ रहे हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पे मौज मस्ती करेंगे, आपको वैसे भी बाहर नहीं जाना है, तो आप वीडियो बनाते जाइए, सॉरी आप नोट्स बनाते जाइए और अपने काम को कंप्लीट कीजिए। ओके, आज हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो एक्सेलरेशन के ऊपर रहेगा। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन क्या होती है उसको ध्यान से समझना है। जैसे मैंने कहा मेरी कार थी, ठीक है, ये मेरी कार थी, मैंने इसकी स्टार्टिंग में देखा जब टाइम की वैल्यू क्या थी बेटा, जीरो थी। जब टाइम की वैल्यू वन सेकंड होगी तो मेरी कार की स्पीड को मैंने चेक किया, इसकी जो स्पीड थी वो 10 मीटर पर सेकंड होगी, कितने होगी 10 मीटर पर सेकंड। फिर देखा मैंने अगली एक सेकंड के बाद टी की वैल्यू कितनी होगी, 2 सेकंड होगी। फिर देखा इस कार की जो टाइम स्पीड थी वो होगी 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहां पे जो स्पीड थी वो जीरो थी, एक सेकंड का डिफरेंस हुआ, टाइम जीरो था एक सेकंड, तो चेंज कितना हुआ 10 का, फिर कितना हो गया, फिर 10 का चेंज हुआ। चेंज तो हो रहा है, चेंज तो क्या हो रहा है, क्लियरली हो रहा है, लेकिन चेंज कैसा है, कॉन्स्टेंट चेंज। चेंज कैसा है, कॉन्स्टेंट चेंज। इस प्रकार से अगर कॉन्स्टेंट चेंज हो रहा हो तो उसको चेंज, पहली बात चेंज, अगर चेंज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। चेंज होगा तो क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर वो कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रहा, जैसे मेरी कार पहले जीरो थी, जीरो मीटर पर सेकंड पे खड़ी हुई थी, टाइम बीता एक सेकंड, कार की स्पीड होगी 10, फिर 15 होगी, फिर 17 होगी, फिर 19 होगी, फिर एकदम से 13 मीटर पर सेकंड चलेगी, फिर एकदम से 50 मीटर पर सेकंड चलेगी, फिर एकदम से 70, फिर एकदम से 80 होगी, फिर 75 होगी, ऐसे इरेगुलरली अगर चेंज हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाई ए से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, ध्यान रखना नॉट कैपिटल ए, कैसा ए, स्मॉल ए। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू डीवी बाई डीटी। अब ये डी क्या है, डी किसको शो करता है बेटा, चेंज को, किसको शो करता है, चेंज को, डी किसको शो करता है, चेंज को। बेसिकली इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज होना, तोड़ना, ठीक है। डी किसको शो करता है, यहां लिख रहा हूं मैं डी, चेंज को, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। ए किसके बराबर, डीवी बाई डीटी, और डीवी बाई डीटी का मतलब क्या है बेटा, यहां पे डीवी बाई डीटी का मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है, रेट होता है दर, किस दर से चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, डीवी बाई डीटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ए क्या है बेटा यहां पे, एक्सेलरेशन, ए क्या है यहां पे, एक्सेलरेशन, और टी क्या है यहां पे, टाइम, टी क्या है, टाइम, ओके। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज को शो कर रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं,
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होती है स्टार्ट की वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी, और फाइनल होती है लास्ट की वेलोसिटी, डिवाइड बाई टाइम, डिवाइड बाई टाइम ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो ए है उसको हम लिखते हैं वी से, वी से, और इनिशियल वेलोसिटी को लिखते हैं बेटा यू से, तो डिवाइड बाई टाइम ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी यूनिट, 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 यूनिट देखिए वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, फॉर्मूला देखिए, ए किसके बराबर है, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी की यूनिट अभी पिछले में हमने पढ़ी थी मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डी बाय टी, और डी की थी एम, टी की थी सेकंड, तो क्या बन गई थी मीटर पर सेकंड। तो इसके ऊपर लिखेंगे मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट फिर सेकंड, फिर ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ए बराबर है मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड सेकंड की गुणा हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, अगर बेस सेम है तो पावर हो जाती है एड, तो बन गया बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। तो ए बराबर है मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, ए बराबर है मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, दिस इज द यूनिट, यूनिट क्या है बेटा इसकी, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, तो ये इसकी यूनिट होगी। ओके क्लियर है सबको, तो ये है आपका एक्सेलरेशन, ये क्या आपका एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपका यहां तक आपने कंप्लीट करना है, और एक्सेलरेशन के जितने भी आपके न्यूमेरिकल हो सभी को आपने सोल्व करने हैं। ओके एक्सेलरेशन के बारे में हम न्यूमेरिकली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहां तक का सभी बच्चे नाइन्थ क्लास के अपना अपना होमवर्क, और जो भी आपको चीज, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जिस लेक्चर पे, जिस न्यूमेरिकल पे, जिस भी डाउट पे आपको रिक्वायरमेंट है किसी वीडियो की, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके ऊपर दोबारा से क्या बना दी जाएगी बेटा, एक वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, अपना अपना नाइन्थ क्लास बहुत अच्छे बच्चे हैं, एक लीलाधर है, वो सॉरी गंगाधर है, लीलाधर है पता नहीं, वो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, उसके कोई कमेंट नहीं आ रहे, वो क्या कर रहा है पता नहीं, उसके स्पेशली मेरे को नोटबुक चेक करवानी है। ठीक है ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछें। क्लियर, थैंक यू।